तो आपसे कैसे हैं दोस्तों, आज घूमेंगे हम सेंट्रल पार्क। तो चलते हैं आगे की तरफ। अभी सेंट्रल पार्क खुल चुका है तो आगे चलते हैं दोस्तों, गेट से एंट्री करते हैं। ये रहा सिटी, तरफ चलते हैं। यहाँ से एंट्री हमारी है गेट नंबर 6। तो आगे चले चलेंगे और देखेंगे दोस्तों। तो अभी देख लेते हैं हम क्या है इसमें। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो हम चलेंगे इधर। आगे आगे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो दोस्तों आप लोग बता दूं कि ये सेंट्रल पार्क है जो कि दिल्ली में ही है। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि यहाँ पे थोड़ा सा धूप निकली है, इंजॉय कर रहे हैं। और मैं दिखा दूं यहाँ पे काफ़ी गोल चक्कर पे, और यहाँ से आते ही काफ़ी मतलब लोग मिल जाते हैं आप लोगों को देखने के लिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और फैमिली प्लेस यानी घर के लोग भी घूमने यहाँ पे आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कपल्स के लिए ही है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया है। और ये है सेंट्रल पार्क जो कि दिल्ली में ही है। और दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो काफ़ी आसान तरीके से आ सकते हैं। DTC बस से आ जाएंगे यहाँ पे, और मेट्रो से आ जाएंगे, और काफ़ी सुविधा है उससे आप आ सकते हैं यहाँ पे इस पार्क में। और दोस्तों बात कर लेते हैं इस पार्क के पास मेट्रो स्टेशन कौन सा है, मार्केट कौन सा है और फैसिलिटियाँ क्या क्या है। तो दोस्तों आप लोग बता दूँ कि इस पार्क में, आप लोगों को बता दूँ कि पार्क के पास मार्केट जनपद मार्केट पड़ जाता है और पालिका बाज़ार मार्केट, और यहाँ पर काफ़ी मार्केट है, शंकर मार्केट। और तो और यहाँ पे इससे कुछ ही दूर पे है, आप लोगों को मैं बता दूं कि सदर बाज़ार मार्केट और पहाड़गंज भी मिल जाएगा और करोल बाग भी। ये मतलब पूरा सेंट्रल पार्क है इसका नाम, और काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पे काफ़ी आसान तरीके से आ सकते हैं। और दोस्तों ख़ास बात, ये अपना घर का चैनल है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अपना दिल्ली ब्लॉगर चैनल सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप खा लेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी लोग वीडियो बनाने के लिए आते हैं और शूटिंग के लिए आते हैं। जैसे मैं आया हुआ था तो मुझे जैसे पता चला कि ये सेंट्रल पार्क खुल गया है तो सेंट्रल पार्क का वीडियो तो आप लोगों को दिखाना था, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाया था तो ये सेंट्रल पार्क बंद था। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए जब पार्क खुल गया है, तो आप लोगों को भी कुछ जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपना खाना खा रहे थे, ये पिकनिक पे आए हुए थे, मतलब यहाँ पे अपने फैमिली के साथ में आए हुए थे, यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ कैमरे वाले हैं जो कि पूछते हैं अगर आप लोगों को फ़ोटो खिंचवानी है तो ठीक है, नहीं खिंचवानी है तो कोई बात नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या चलता है और कैसा चलता है। तो आप लोग काफ़ी आसान तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे कोई लोकल चैनल वाले आए हैं अपना वीडियो बना रहे हैं जैसे मैं बना रहा हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पार्क में क्या सुविधा मिल जाती है। तो इस पार्क में आप लोगों को फ्री के पानी मिल जाएगा, और फ्री में नमकीन नहीं मिलेगा, उसको खरीदना पड़ेगा आप लोगों को। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया ये पार्क है। तो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं बोल रहा हूँ कोई ना कोई मुझे देख रहा है और देखते ही जा रहा है। यार ये गलत बात है यार, नहीं देखना चाहिए। और यहाँ पे है थ्री दिल, ओ ट्रिपल दिल है यहाँ पे, बोले तो हार्ट बोलते हैं यार, हाँ दिल, यहाँ पे दिल बनल बाटे, तीन तीन को दिल बाटे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। थोड़ा सा यार भोजपुरी निकल गई, होता है कभी कभी, मुझसे हो जाता है गलतियाँ। आप जिस राज्य से आते हैं वैसा भाषा बोलने लगते हैं कभी कभी। और यहाँ पे कुछ है कि अपना टिकटॉक का वीडियो बना रहे हैं जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल के लिए। और दोस्तों यहाँ पे दो कपल्स है जो कि काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मैं ये नहीं बता सकता कपल्स ही है क्या है लेकिन लग रहे हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और इस पार्क पर कुछ चेतावनी दिया गया है और आप लोग इसे वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, चेतावनी में क्या क्या लिखा गया है, पानी कब चलेगा, धरना कब चलेगा, ये सारी बातें आप लोगों को बताई जाएगी। और यहाँ पे एक बच्ची है जो कि ये भी वीडियो बना रही थी और अपने मम्मी के साथ में आई हुई थी ये, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूँ आप लोगों को। तो दोस्तों खुल गया, खुल गया, खुल गया, आपका सेंट्रल पार्क खुल गया। तो ये भी वीडियो बना रही है, तो मुझे थोड़ा सा
डिस्टर्ब हुआ तो मैंने थोड़ा सा आगे आ गया। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना लोग बैठे हुए हैं यार, बहुत लोग हैं इस पार्क में, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया है, इस पार्क में आ सकते हैं। और जहाँ पे मैं जा रहा था सब मेरे तरफ ही देख रहे थे, पता नहीं पहचान रहे थे या मुझे देख रहे थे या पता नहीं किसको देख रहे थे, सोच रहे कि क्या ये पागल है क्या बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है। और दोस्तों आप लोग एक बार इस पार्क में आएँ, अगर आप आए हैं तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों काफ़ी जल्दी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय। अभी नहीं कहूँगा क्योंकि ये अपना तिरंगा है जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अपना देश का झंडा जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा झंडा है। तो दोस्तों आप लोग बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।